आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आरपीएफ और जीआरपी इन दिनों मॉक ड्रिल में जुटी हुई है। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की। बम मिलने की सूचना पर मॉक ड्रिल की गई। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बाद आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की। बम की सूचना मिली और इसके बाद आरपीएफ और जीआरपी के लोग जुट गए। बाकायदा पूरी तरीके से मॉक ड्रिल की गई। किस तरीके से बम की सूचना आने पर निपटना है, इस बात का अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान आरपीएफ और जीआरपी के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आए। श्वान दस्ता भी मौजूद था। वारदात के दौरान किस तरीके से घायलों को अस्पताल तक पहुंचाना है, इस बात का भी अभ्यास किया गया। किस तरीके से अफरा तफरी से माहौल को रोकना है, इसका भी अभ्यास किया गया। एसपी जीआरपी मोहम्मद मुश्ताक का कहना है कि इस तरीके का अभ्यास लगातार स्टेशनों पर किया जा रहा है। देखिए, एडीजी महोदय के निर्देशानुसार जितने भी हमारे जंक्शन हैं महत्वपूर्ण, वहाँ पे अलग अलग मॉक ड्रिल जो है वो किया जा रहा है। आगामी जो त्यौहार आने वाले हैं उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में जो है हम अलग अलग जगहों पे मॉक ड्रिल जो है वो आयोजन कर रहे हैं। आज यहाँ पे आगरा फोर्ट पे एक मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो किया गया था, जिसमें रेंडम तरीके से अचानक से एक सूचना मिली थी इंस्पेक्टर को कि प्लेटफॉर्म पे बम ब्लास्ट जो है हुआ है। तो उसमें जो है इस कैसे पूरी अलग अलग जो जीआरपी है, आरपीएफ है, रेलवे है, इन सभी के द्वारा कैसे एक एकीकृत सहयोग के माध्यम से इसको कैसे वहाँ पे मेडिकल टीम भेज करके वहाँ पे लोगों को निकाला गया, आपने देखा होगा। इसके अलावा जो फर्स्ट रेस्पॉन्स टीम थी उसने पूरे एरिया को कॉर्डन किया, फिर डॉग स्क्वाड और BDDS की टीम जो है वो आई और उसने पूरे एरिया को सैनिटाइज किया। तो ये सारा चीज़ इनको एक रेंडम जो है हमने दिया था। मॉक ड्रिल के माध्यम से तमाम सारी कमियों को भी दूर किया जाता है। हालातों से कैसे निपटा जाए, किन किन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, ये सब मॉक ड्रिल के दौरान परखा जाता है। हालांकि पुलिस ट्रेनिंग के दौरान हर हालातों से निपटने के लिए हर जवान को निपुण किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से लगातार हालात बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और नई नई चीज़ें सामने आती हैं, उसे देखते हुए लगातार अपने आप को अप टू डेट करना भी आवश्यक है और साथ में लगातार निरंतरता बनी रहे, इसके लिए अभ्यास भी बेहद ज़रूरी है। यही वजह है कि पुलिस महकमे में लगातार मॉक ड्रिल के माध्यम से अपने आप को अप टू डेट किया जाता है। आरपीएफ और जीआरपी भी इन दिनों लगातार मॉक ड्रिल करने में लगी हैं, जिससे वर्तमान में होने वाले हालातों से निपटा जा सके, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी भी मिल सके। अपने साथी अखिल दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।